नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ राजधानी में जिला सहकारी बैंक के चुनाव होने तय हुए हैं, जिसमें सहकारी बैंक के चेयरमैन पद के लिए लखनऊ से वीरेन प्रताप सिंह ने दावेदारी पेश की है और नामांकन प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली है, जिससे भाजपा की तरफ से लखनऊ बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेन प्रताप सिंह ने आज शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। सुबह 10 बजे से ही भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मौजूद रहे और करीब 11:45 बजे स्टेडियम से होकर हलवासिया मार्केट में जिला सहकारी बैंक मुख्यालय में नामांकन के लिए प्रस्थान किया। वीरेन सिंह शिक्षाविद भी हैं और आम बागवानी के मशहूर किसान हैं। राजनीति के साथ ही साथ क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ाने के लिए वीरेन सिंह का माइलस्टोन का नाम का विद्यालय भी है। वहीं नामांकन में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, विधायक सरोजनी नगर राजेश्वर सिंह, विधायक बीकेटी योगेश शुक्ला, राजा अटारी बबीर सिंह, भाजपा नेता कुंवर माघवेंद्र, देव सिंह, विश्वजीत सिंह भिदौरिया, रिंकू सिंह व अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।